जहाँ जहाँ भी हजरात हैं बतौर खास मौका पेश कर रहा हूँ। मुलायदा फरमाए, अली की लाडली बेटी जैनब रसूल की नवासी जहरा की जाई, जिसकी माँ का जनाजा शब की तारीखी में उठा, सर से चादर सरक जाने पर सूरज न निकले, आज वही अली की लाडली बेटी जैनब कूफा और शाम के बाजारों में बेमकना और चादर दयार बदयार फिराई जा रही है। यह मंजर देख कर भाई का सर नैजे पर जारो कतार रो रहा है, एक मुनादी निदा दे रहा है कि आओ कूफा और शाम के लोगों तमाशा देखो, यही अली की लाडली बेटी जैनब है। जहां जहां भी हजरात हैं, तसव्वुर शर्त है इंशाअल्लाह चंद आंसू निकलेंगे और हक के मातम अदा होगा। हाय बहन है बाजार में खुले सर, अरे नजारा करते हैं सब सितोगर, हाय नजारा करते हैं सब सितोगर, खुशी मनाते हैं सारे आदाब, खुशी मनाते हैं सारे आदाब, खुशी मनाते हैं सारे आदाब, हुसैन सर खुला है, हाय अली की बेटी का सर खुला है, तो कभी न रातों को सोई जैनब, हाय कभी न रातों को सोई जैनब, जो yeah।
देवबंद बतौर खास मुलाहदा फरमाए, जहाँ जहाँ भी हज़रात तसव्वुर शर्त है, हमारा आपका चौथा इमाम कितना गैरतदार इमाम था। आज़ादारों, जिस दिन हमारे चौथे इमाम की विलादत हुई थी ना, उसी दिन मौला अली ने अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब से कहा था कि बेटी ज़ैनब देखो, अब घर में कभी कोई औरत बुलंद आवाज़ से बात नहीं करेगी और ना ही किसी औरत के सर से कभी चादर सरकने पाए, क्योंकि ये मेरा ज़ैनुल आबिदीन बड़ा ही गैरतदार है। यही वजह थी आज़ादारों की करबला और कूफा से शाम की राहों में जब भी कोई मौला का चाहने वाला मिलता था ना, तो मौला उससे अपना गम अपना दुख नहीं बयान करते थे, बस उससे एक बात कहा करते थे कि अरे भाई, अगर तेरे पास कुछ चादर है तो मुझे ला के दे दे, देख मेरी माँ बहनों के सर खुले हुए हैं। जहाँ जहाँ मदरात तस्वूर शर्त है, इंशाल्लाह चंद आंसू निकलेंगे और हक के मात मदा होगा। हाँ, जो देखी बीमार गाँव की हालत तो है मेरे आबिद पे क्या मुसीबत, हाय है मेरे आबिद पे क्या मुसीबत, कदम है कांटों पे कैसे रखता, कदम है कांटों पे कैसे रखता, कदम है कांटों पे कैसे रखता, हुसैन फरमाएंगे हजरत, जनाब ज़ैनब को मौला अब्बास पर कितना भड़ा था, कितना भरोसा था, बड़ा नाज था। जहां जहां हजरत इस बंद को बतौर खास मुलाहदा फरमाए, हाय तड़प के ज़ैनब ये कह रही थी, अरे न बढ़ती शानों में मेरे रसी, हाय न बढ़ती शानों में मेरे रसी, जो उठा
सकीना के हवाले से पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाहदा फरमाया जाए। बंद जनाब सकीना के हवाले से बतौर खास पेश कर रहा हूं मुलाहदा फरमाए हजरात। ज़ैनब अपने भैया हुसैन के सर से मुखातिब होकर कहती हैं कि भैया हुसैन, जब तक आप जिंदा थे अपनी सकीना को अपने सीने पर सुलाते थे, मगर भैया आपकी शहादत के बाद जालिमों ने हमारी सकीना को इतने तमाचे मारे कि भैया हमारी सकीना का चेहरा मुतगैर हो गया है। और तो और भैया, जनाब सकीना को जो आपने गोशवारे पहनाए थे ना, एक जालिम ने करबला में इतनी बेरहमी से छीना है कि हम करबला से शाम आ गए, मगर भैया सकीना के कानों से अब तक लहू बह रहा है। भैया मैं सकीना को बार बार समझाती हूँ कि मेरी बेटी सकीना इतना ना रोया कर, तो सकीना का जुमला सुनिए अज़ादारों। सकीना कहती कि भैया कैसे ना रोऊं बहन, जनाब ज़ैनब कहती कि जनाब सकीना कहती कि फूफी अम्मा कैसे ना रोऊं, कान दुखते हैं। जहाँ जहाँ भी हजरात हैं आखिरी बंद बतौर खास मुलाहदा फरमाए हजरात, तसव्वुर शर्त है। हाय सकी नबी बी पे ये जफा है, अरे रसल में जकड़ा हुआ गला है, हाय रसल में जकड़ा हुआ गला है। के जिनकी माँ बहे न हो खुले सर, हाय के जिनकी माँ बहे न हो खुले सर, ये